नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बाइक अड्डा 23 पर। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं TGT PGT लेटेस्ट अपडेट टुडे। अल्पसंख्यक कॉलेज में प्राचार्यों की भर्ती, अब परीक्षा से राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 255 पदों पर भर्ती, जानिए सब कुछ। परीक्षा से भरे जाएंगे अल्पसंख्यक कॉलेजों में प्राचार्य के खाली पद। प्रयागराज अल्पसंख्यक कॉलेजों के प्राचार्य के पदों पर परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाएगी और इस भर्ती की जिम्मेदारी शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास होगी। पहले प्रबंधन के माध्यम से प्राचार्य के पद पर नियुक्ति की जा रही थी। अल्पसंख्यक कॉलेजों में प्राचार्य के रिक्त पदों की गणना जल्द ही शुरू कराई जाएगी। एहसास के सहायता प्राप्त महाविद्यालय में परीक्षा इंटरव्यू के माध्यम से प्राचार्य के पद पर भर्ती होती है। इससे पूर्व विज्ञापन संख्या 49 के तहत वर्ष 2019 में अब तक कॉलेज प्रबंधन सीधे कर लेते थे। प्राचार्य एहसास के महाविद्यालय में प्राचार्य के 290 पदों पर भर्ती आई थी और वर्ष 2021 में इस भर्ती के चयनितों को नियुक्ति मिल गई थी। हालांकि कई चयनितों ने प्रबंधन से विवाद या अन्य कारणों से नियुक्ति के बाद इस्तीफा भी दे दिया था। इस वजह से एहसास के महाविद्यालय में प्राचार्यों के तकरीबन 60 पद खाली है। परिवेश में कुल 310 एहसास के महाविद्यालय हैं प्रदेश में और 21 अल्पसंख्यक हैं। महाविद्यालय नई व्यवस्था के तहत उच्च शिक्षा निदेशालय 331 महाविद्यालय में प्राचार्यों के रिक्त पदों का अधियाचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजेगा और आयोग अधियाचन के आधार पर भर्ती कराएगा। ऐसे अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में भी लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर प्राचार्य के पदों पर भर्ती की जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के तहत मतगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग नई भर्तियों पर भी काम शुरू कर देगा। प्राचार्य के पद पर 5 साल से कोई नई भर्ती नहीं हुई, ऐसे में आयोग इस भर्ती की नेक्स्ट न्यूज है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल जूनियर निवासी भर्ती 255 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करते हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने जूनियर रेजिडेंट के पद के रिक्तों की घोषणा कर दिया। जो उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और इस अवसर में रुचि रखते हैं, वे यदि सूचना में दिए गए विवरणों को सावधानीपूर्वक समीक्षा करने के बाद आवेदन जमा करने की प्रारंभ तिथि 21 मई और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 जून है। एडमिट कार्ड अपल आउट करने की तिथि 28 जून, लिखित परीक्षा 7 जुलाई 2024 को होगी। परिणाम जो है 3 दिन के भीतर। आयु सीमा 30 वर्ष और आयु में छूट नियम अनुसार अभ्यर्थियों के पास विषय में MBBS की डिग्री होनी चाहिए। रिक्तियां जूनियर रेजिडेंट 255 पद, TGT और PGT 2022 की एग्जाम डेट की घोषणा चुनाव के परिणाम आने के बाद नए आयोग के द्वारा की जाएगी और इसके एग्जाम आपके जुलाई और अगस्त में होने की संभावना। ओके साथियों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।